हेलो फ्रेंड्स, इंडियन डेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल बाटी। दाल बाटी राजस्थान का प्रसिद्ध खाना है। तो आइए दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमने ये दाल ली है। इसे हमने अच्छे से 2-3 बार धो लिया है और 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। इसमें हमने मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चना दाल और अरहर की दालों को मिक्स किया है। सभी दालों को हमने 20-20 ग्राम लिया है, यानी हमारी टोटल दाल 100 ग्राम है। इसके लिए हमने 2 सूखी लाल मिर्चें ली है, 1 तेज पत्ता, 2 कटे हुए टमाटर, 1 कटा हुआ प्याज, लहसुन का पेस्ट, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हींग और दाल बनाने के लिए तेल। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। हम इसे कुकर में बनाएंगे। तो आइए दोस्तों गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। दाल, हल्दी पाउडर, नमक। अब हम कुकर के ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 सीटी आने देंगे। दाल हमारी पक रही है, तब तक हम दाल का मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई ली है, अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, कटे हुए प्याज, तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्चें, सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को हम 2 मिनट के लिए तेल में ही भूनेंगे, इससे टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मसालों को 1 मिनट तक इसी तरह तेल में भूनेंगे। मसाला हमारा पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे बॉईल करी हुई दाल। हमने दाल डाल दी है, अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे और 5 मिनट तक मीडियम गैस पर उबलने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया। धनिया मैंने आपको बताना भूल गई थी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक्कर रख देंगे। अब हम बाटी बनाएंगे। बाटी बनाने के लिए हमने 1 बाउल में आटा लिया है, 1/2 कटोरी सूजी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अजवाइन और 2 से 3 छोटे चम्मच घी। तो आइए दोस्तों बाटी बनाना शुरू करते हैं। हम एक बर्तन लेंगे, इसमें आटा डालेंगे, सूजी, नमक, अजवाइन। अजवाइन को हम हाथों से ब्रश करके डालेंगे, इससे बाटी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा।
अब हम इसमें डालेंगे हींग। और इसे हाथों से अच्छे से आटे में मिक्स कर देंगे। घी आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे। सख्त डो तैयार कर लेंगे, रोटी या पराठे की तरह नहीं, ये देखिए इस तरह से डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बाटी बनाएंगे। सारी बाटी तैयार कर ली है, अब हम बाटी को सेकेंगे। इसे हम एक बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, तो आइए फ्रेंड्स बाटी बनाना शुरू करते हैं। सेकने के लिए हम गैस ऑन करेंगे। बाटी को हम ओवन में नहीं बनाएंगे, बाटी को हम चलनी में सेकेंगे। चलनी में बाटी बहुत जल्दी बन जाती है, अगर आपके पास कुकर नहीं है तब भी आप ये बाटी बना के खा सकते हैं। इसके लिए हमने तवा लिया है, तवे को हमने गैस पे रख दिया है और इस पे हमने चलनी रख दी है। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इस चलनी में बाटी रखेंगे। चलने में बाटी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। हमारे पास अगर कुकर नहीं है तब भी हम ये बाटी बना के खा सकते हैं। बाटी हमारी 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है। पांच मिनट के लिए हम गैस का फ्लेम तेज ही रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम बाटी को चेक कर लेते हैं। बाटी हमारी हल्की हल्की सिकना शुरू हो गई है। चलिए मैं बाटी बहुत टेस्टी बनती है। यदि हमारे पास बाटी का ओवन नहीं है तभी हम बाटी बनाकर खा सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और बाटी को बीच बीच में चेक करते रहेंगे। हम बाटी को चेक कर लेते हैं, बाटी हमारी सिक रही है, कितना बढ़िया कलर आया है। हमें इन्हें सेकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक कम गैस पर सेकेंगे। हमारी सारी बाटियां सिक चुकी है, देखिए बाटियों में क्रैक्स आ गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें निकाल लेंगे। हमने सारी बाटी को निकाल लिया है, अब हम बाटी में घी लगाएंगे। इसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे, क्योंकि बाटी हमारी बहुत गर्म है। बाटी को हम कपड़े पर रखेंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे इस तरह से। अब हम इसे घी में डीप करेंगे। घी से बाटी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम इसी तरह से सारी बाटी को घी में डीप कर लेंगे। इसी तरह से सारी बाटी को घी में डीप कर लिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पंचरत्न दाल और चलनी में बनी हुई बाटियां तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।